तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, एक भाई ने मेरे से कमेंट करके बोला था कि सर वी चैट के ऊपर वीडियो बनाओ। तो भाई, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप वी चैट का अकाउंट कैसे बनाएंगे। अगर आपके वी चैट, जब आप वी चैट का अकाउंट बना रहे हैं तो वहां पे क्यूआर कोड आ रहा है, ठीक है, स्कैन करने के लिए। लेकिन क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए नहीं आएगा, यह मेरी गारंटी है। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, ठीक है, मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा, दो दो अकाउंट बना के दिखाऊंगा, ठीक है। बस क्यूआर कोड के बाद में जब जाएगा तो आपका एसएमएस आएगा, जैसे आप एसएमएस डालेंगे आपका वी चैट का अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। तो आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जहां पे क्यूआर कोड नहीं आएगा, ठीक है। बस आपको एक छोटी सी ट्रिक करनी है। यह ट्रिक करने के लिए मुझे काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ा भाई, बहुत मेहनत किया, उसके बाद में जाके यह जो ट्रिक मुझे पता चली है। तो आपको बस वही छोटा सा काम करना है और आपका जो वी चैट का अकाउंट है बहुत ही आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अब बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बोल रहे होंगे यार वी चैट का अकाउंट क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि वी चैट का अकाउंट पबजी, अगर आप खेलते हैं, पबजी चाइनीज के लिए होता है, ठीक है। पबजी चाइनीज आप उससे लॉग इन कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों, ऐसा सीन है ना कि पबजी का जो पबजी चाइनीज है ना, उसका वी चैट अकाउंट बनता ही नहीं है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना तो बहुत सारी आपको वीडियो मिल जाएगी, लेकिन कोई वीडियो सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन यह वीडियो सक्सेसफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं कौन सी ट्रिक है और हम उसको कैसे करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, निवेदन है, रिक्वेस्ट करूंगा। अगर आप टिकटॉक चलाते हैं तो मुझे टिकटॉक पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, ताकि और लोग भी इसके बारे में जान पाएं और वी चैट का अकाउंट बना पाए। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना। तो चलिए बढ़ते आगे वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक काम करना है, आपको जाना अपने प्ले स्टोर में और आपको वी चैट के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। आपको वी चैट के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। तो इंस्टॉल करने के बाद में जैसे आप उसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में आपको साइन अप पे टच करना है, ठीक है। आपको एक नया अकाउंट बनाना है तो आपको साइन अप पे टच करना है। जैसे आप टच करेंगे जो आपका इंटरफेस है कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, नाम, कंट्री, फोन नंबर, पासवर्ड, तो आपको यह सारा चीज फिल करना है। तो चलिए मैं फटाफट फिल कर लेता हूँ। आपको अपना नाम डालना है, फिर आपको अपनी कंट्री इंडिया डालना है, उसके बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और आपको एक अल्फाबेट में पासवर्ड डाल देना है। यह सब करने के बाद में आपको आई एग्री करके साइन अप पे टच कर देना है। तो चलिए मैं फटाफट कर लेता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यह जो पेज है पूरा फिलअप हो चुका है। तो चलिए मैं साइन अप पे टच करता हूँ। तो जैसे आप टच करेंगे आपको थोड़ा सा वेट करना है, आपको एक नया पेज मिल जाएगा, ठीक है। तो जो आपका पेज है कुछ इस तरह से मिल जाएगा, तो आपको आई हैव रीड पर टच करके नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे आप नेक्स्ट करेंगे आपको थोड़ा सा वेट करना है। और दोस्तों, आप टाइमिंग देखते जाना, नहीं तो आप बोलेंगे कि मैं आपको बेवकूफ बना रहा था। अब आपको एक नया पेज मिलेगा सिक्योरिटी वेरिफिकेशन का, तो आपको स्टार्ट पर टच करना है। जैसे आप टच करेंगे आपको एक नया पेज मिलेगा, यहाँ पे एक पजल है, आपको पजल को सॉल्व करना है। तो चलिए मैं पजल को सही जगह पे लगा देता हूँ। जैसे आप सही जगह पे लगाएंगे, अभी आप देखना जो सभी के मोबाइल में प्रॉब्लम आ रही है वी चैट बनाते समय, वही प्रॉब्लम मेरे इस वाले फ़ोन में भी आएगी, इसी नंबर पर आएगी। उसके बाद में मैं जब वह ट्रिक करूँगा तो यह क्यूआर कोड नहीं आएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि क्यूआर कोड आ चुका है, तो सभी के सभी मोबाइल में यही क्यूआर कोड आ रहा है। लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बोल रहे हैं कि भाई स्कैन कर दो, स्कैन कर दो, तो भाई स्कैन करने से नहीं होता है, ठीक है। तो दोस्तों, वह ट्रिक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली साइन अप पे टच करना है। जैसे आप टच करेंगे आपको एक नया पेज मिलेगा स्टार्ट का, ठीक है, तो आपको स्टार्ट पे टच करना है। जैसे आप स्टार्ट पे टच करेंगे आपको वही पजल मिलेगा, तो आपको इसी पजल को सॉल्व करते समय उस ट्रिक को यूज करनी है। आपको करना क्या है, जब आपका पजल सही जगह पे पहुंच जाए तो आपको अपने इंटरनेट को बंद कर देना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैं अपने इंटरनेट को बंद किया, यहाँ पर लोडिंग फेल दिखा रहा है। तो आपको ध्यान देना है, आपको घाईबाजी नहीं करना है, ठीक है, आपको इस तरह से नहीं करना है जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा वेट करना है। चलिए मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ आपको किस तरह से नहीं करना है, नहीं तो आप करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, बाद में बोलेंगे यार नहीं बन रहा ऐसा वैसा। तो चलिए मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। आपको पजल को लेके जाना है, जब आपका पजल सही जगह पे पहुंच जाता है तो आपको तुरंत इंटरनेट को बंद नहीं करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि फिर वही वाला ऑप्शन आ रहा है। तो चलिए मैं आपको तीसरी बार करके दिखा देता हूं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैं पजल को सही जगह पे लेके गया और इंटरनेट को बंद किया, लेकिन फिर भी वही ऑप्शन आ रहा है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है।
आपको अपने पजल को लेके जाना, जब आपका पजल सही जगह पे पहुंच जाएगा उसके बाद में एक ग्रीन टिक आएगा कुछ इस तरीके से, जब ग्रीन टिक आएगा तभी जाके आपको अपने इंटरनेट को बंद करना है। आपको ध्यान देना, जब ग्रीन टिक आएगा तभी जाके आपको अपने इंटरनेट को बंद करना है। जब आप अपने इंटरनेट को बंद करेंगे तो कुछ इस तरीके से एरर आएगा, ठीक है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एरर आएगा। जब इस तरीके से एरर आ जाएगा तो मान लीजिए कि आपका 99% काम पूरा हो चुका है, अब आपका WeChat का अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपने इंटरनेट को चालू करना है, चालू करने के बाद में आपको क्लोज कर देना है, आपको नीचे का ऑप्शन मिल जाएगा क्लोज का, तो आपको क्लोज कर देना है। जैसे आप क्लोज पे टच करेंगे आप थोड़ा सा बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद में ऑटोमेटिक आपके उस वाले मोबाइल नंबर पर SMS आ जाएगा जो मोबाइल नंबर आप यहां पे डाल के रखे हैं। तो चलिए मैं आपको बैक करके दिखा देता हूं, और दोस्तों आप टाइमिंग भी देखते जाना, नहीं तो आप बोलेंगे यार कितने बजे से कितने बजे बना रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जैसे मैं बैक किया इन्होंने मेरे इस वाले मोबाइल नंबर पर SMS भेज दिया है। अब अगर मैं उस कोड को यहाँ पे डालूंगा तो मेरा WeChat का अकाउंट बनकर रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है, जब वो ग्रीन टिक आएगा तभी जाके आपको करना है इंटरनेट को बंद, ठीक है। तो दोस्तों यह तो रहा पहला अकाउंट जो मैं आपको समझाने के लिए काफी लंबा खींच के लेके गया। अब चलिए मैं आपको दूसरा अकाउंट बना के दिखा देता हूं, उसको मैं एक ही बार में बना के दिखाऊंगा, ठीक है। दोस्तों बस आपको एक ही चीज का ध्यान देना है, जब आप पजल को सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद में जब ग्रीन टिक आएगा तभी जाके आपको अपने इंटरनेट को बंद करना है। जब ग्रीन टिक आएगा तभी जाके आपको अपने इंटरनेट को बंद करना है। अगर आप पहले बंद कर देंगे तो यह ट्रिक काम नहीं करेगी, ठीक है। मैं आपको फर्स्ट टाइम में करके दिखा रहा हूं, आप देख लेना। आप देख सकते हैं कि ग्रीन टिक आया और मैं अपने इंटरनेट को बंद किया और वह एरर आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको अपने इंटरनेट को चालू करना है, चालू करने के बाद में आपको क्लोज पर टच करना है। जैसे आप क्लोज पर टच करेंगे आपके मोबाइल पर इस वाले नंबर पर WeChat की तरफ से SMS भेज दिया जाएगा, उसके बाद में आप उस SMS कोड को यहाँ पे डाल के अपना अकाउंट बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, भूलना मत यार वीडियो को लाइक कर देना, और आप इस वीडियो को शेयर भी कर देना। और अगर आप मुझे टिकटॉक पर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे तो काफ़ी मजा आएगा, ठीक है, काफ़ी बातचीत करेंगे वहाँ पे, फनी फनी वीडियो भी मैं अपलोड करना शुरू कर दिया हूँ, तो फॉलो कर लेना और आप इस वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि और लोग भी इसके बारे में जान पाएं। यार बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है WeChat का अकाउंट कैसे बनाएं, WeChat का अकाउंट कैसे बनाएं, तो अब दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो फॉलो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।